हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। जुग जुग जियो, सदा सुखी रहो। दोनों बड़े प्रसन्न हो, बात क्या है? तात, मिथिला के महाराज जनक जी के एक दूत आपके लिए शुभ संदेश लेकर पधारे। महाराज जनक का संदेश? हाँ भैया, राम का संदेश। मेरे राम का संदेश? वो कुशल से तो है ना? कुशल तो है ही माता, साथ ही उन्होंने अपना रण कौशल भी ऐसा दिखाया है कि आर्यवर्त के बड़े बड़े बलवान राजा वीर राजकुमार हार गए, तभी अपने भैया आगे बढ़े। शत्रुघ्न, सारी बात एक साथ ही कह देगा। भैया, बात रोकने से मेरे पेट में पीड़ा होने लगती। अरे बड़ी माँ को तो आ जाने दे, उन्हें संदेशा भेजा है, आती ही होंगी। क्या बात है, राम का क्या संदेश है? ऐसा संदेश है बड़ी माँ, आप आनंद विभोर हो जाएंगी। पहले आप अपना धीरज तो संभालिए। अच्छा बाबा, धीरज तो रख लिया, अब बता मेरे लाल, बात क्या है? दो संदेश है। हाँ? एक ऋषि विश्वामित्र जी का, दूसरा महाराज जनक का। तो पहले कौन सा सुनाएगा रिपुदमन? क्यों तरसा रहे हो? लाओ ये दोनों पत्रिकाएं, हम स्वयं पढ़ लेंगे। आप पढ़ेंगी? हाँ? खुशी के आंसू तो पहले ही उमड़ रहे हैं, इन आंसुओं से पत्रिका पढ़ने से पहले ही धुल जाएगी, फिर पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। अच्छा बाबा, तो तुम ही लोग पढ़कर सुना दो, पर सुना तो दो। हाँ, जल्दी सुना दो, क्या संदेश है? हाँ, तो सुनिए। हमारे राम भैया और लक्ष्मण कुशल से हैं। उन्होंने राक्षसी ताड़का को मार दिया, सुबाहु मारीच को परास्त करके मुनि विश्वामित्र जी का यज्ञ संपूर्ण करा दिया। फिर मुनि उन्हें मिथिलापुरी ले गए, वहाँ राजकुमारी सीता का स्वयंवर हो रहा था। उसकी शर्त थी जो उनके यहाँ रखे हुए शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ राजकुमारी सीता का विवाह हो जाएगा। सब राजा राजकुमार शक्ति लगा लगा कर हार गए, पर भगवान शिव जी का वो धनुष किसी से हिला तक नहीं। इस पर महाराज जनक ने उपस्थित राजाओं को कुछ अनुचित वचन कह डाले जो हमारे लक्ष्मण भैया से सहन नहीं हुए, और लक्ष्मण ने क्रोध में आकर भरी सभा में महाराज जनक को ललकारा। फिर क्या था, मुनिवर विश्वामित्र जी के आदेश पर राम भैया उठे और उन्होंने सबके देखते देखते धनुष को उठाया, तनिक शक्ति लगाई और धनुष के दो टुकड़े कर दिए। अरे आगे तो कहो, क्या हुआ? फिर कुछ हुआ नहीं मातेश्वरी, होने वाला है। क्या? राम भैया का सीता भाभी से शुभ विवाह। मेरे राम का विवाह? दीदी, दीदी मुझे संभालिए, मारी प्रसन्नता की
मेरे हृदय की धड़कन रुक रही है। कैकेयी, अपने को संभालो, अब सांस भरने का समय आ गया है। सांस? हाँ। दीदी, सांस सुन के ही कैसा लग रहा है। हम सास बनेंगे, हमारी बहू आएगी, हम अपना सब कुछ उसे सौंप कर निश्चिंत हो जाएंगे। और फिर इस राजमहल में एक बार फिर से नन्हे मुन्नों की किलकारी गूंजेगी। हम दादी बन जाएंगे दीदी। हम दादी बन जाएंगे। हम भी तो दादा बन जाएंगे। दादाजी तो आप बन ही जाएंगे, किंतु फिर हमें आपकी तरफ ध्यान देने का अवकाश ही कहाँ मिलेगा, क्यों दीदी? भैया, फिर हम भी तो कुछ बन जाएंगे। हाँ, काका, तू छोटा, मैं बड़ा। अरे, आप सब अपने ही सपनों में खोए जा रहे हैं। इतना शिष्टाचार भी भूल गए, महाराज जनक के राजदूत से भी तो मिलना चाहिए। सचमुच हमें इसका ध्यान ही नहीं रहा। भरत जी, उन महानुभाव को सभागृह में ले आओ। गुरुदेव वशिष्ठ के साथ हम उनसे वहीं मिलेंगे। जो आ गया था। मिथिला के महाराज जनक का दूत देवव्रत, अयोध्या के महाराज दशरथ तथा पूज्यवर महर्षि वशिष्ठ के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। अयोध्या में आपका स्वागत है श्रीमान देवव्रत। धन्यवाद। मैं महाराज की सेवा में मिथिला से शुभ संदेश लेकर आया हूँ। आपका संदेश कुमार भरत ने हमें सुना दिया है। अब आगे के लिए क्या आदेश है प्रभु? मेरे महाराज ने पूज्यवर विश्वामित्र के आदेश से आपकी सेवा में निवेदन किया है कि आप अपने उपाध्याय, कुल पुरोहित, बंधु बांधुओं के साथ बारात लेकर मिथिलापुरी में पधारने की कृपा करें। इस संबंध में गुरुदेव अपना निर्णय प्रदान करें, उसी के अनुसार कार्य किया जाए। आर्य देवव्रत, अयोध्यापति की ओर से महाराज जनक की सेवा में निवेदन करिए कि हमें आपका निमंत्रण स्वीकार है। हम शीघ्र ही शुभ मुहूर्त में बारात लेकर जनकपुरी पहुंचेंगे और हमारी ओर से मिथिला नरेश से कहिए, मिथिला और अयोध्या का यह संबंध बड़ा ही शुभ है। इस संबंध के द्वारा आर्यावर्त की दो महान शक्तियों का मिलन होगा। पूज्यवर महामुने, मैं अपने महाराज जनक की ओर से इस आशीर्वाद के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। महाराज, मुझे जनकपुरी जाने की आज्ञा प्रदान करें, जिससे मैं आपके आने का शुभ समाचार अपने महाराज तक शीघ्र पहुंचा सकूं। आपको हमारी ओर से अनुमति है आर्य देवव्रत। वहां जाकर हमारे दोनों बालकों को हमारा स्नेह संदेश, हमारी शुभ आशीष देना। मेरे राम से कहना, तुम्हारे बिना तुम्हारे पिता उसी प्रकार जी रहे हैं जैसे स्वाति की प्रतीक्षा में चातक जीता है। श्री राम और लक्ष्मण को बालक कहना आपका अधिकार है महाराज, परंतु सारे संसार के लिए वे दोनों पराक्रम और वीरता का अवतार हैं। ऐसे दिव्य और यशस्वी पुत्रों का पिता होने का सौभाग्य तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। आप जैसे भाग्यशाली के दर्शनों से मैं धन्य हो गया। बहुत सुंदर वार्तालाप कर लेते हो देवव्रत। तुम हमारे पुत्रों का शुभ समाचार लाए हो, इसलिए हमारी ओर से भेंट स्वीकार करो। Thank you.
आप जैसे कीर्तिवान महाराज का उपहार पाना मेरे जीवन का परम सौभाग्य है। परंतु महाराज, ये हमारी बेटी की ससुराल है, यहां से कुछ लेना नीति और परंपरा के विरुद्ध है। महाराज, मुझे क्षमा करने की कृपा करें। धन्य हो, धन्य हो। महात्मा जनक के राजदूत में ही ऐसे संस्कार हो सकते हैं। राजन, आर्य देवव्रत की प्रतिक्रिया उचित है। महाराज, हमें आज्ञा दें। अब गुरुदेव आज्ञा दें, उसी प्रकार कार्यक्रम निर्धारित किया जाए। राजन, सुंदर संजोग बन रहा है। राम की बरात प्रस्थान के लिए परसों सूर्य उदय की 3 घड़ी बाद मध्याह्न प्रारंभ होते ही शुभ मुहूर्त बनता है। गौरी गणेश मनाकर प्रस्थान हो। कुमार भरत, वत्सरिपुदमन, गुरुदेव वशिष्ठ जी और हमारी ओर से श्रद्धेय श्री वामदेव जावाली, श्री कश्यप जी आदि महात्माओं को सविनय निमंत्रण दो। समस्त मंत्रीगण, सामंतगण और सारे नगर में न्योते का श्रीफल फिरवाकर सबको हमारा निवेदन सुना दो। नगर भर को राम की बारात में चलने का निमंत्रण दे दो और सेनापति से चतुरंगिणी सेना तैयार करने को कह दिया जाए। जो आज्ञा तात। समय कम है, तैयारी बहुत करनी है, तुरंत तत्परतापूर्वक कार्य करना होगा। कुमार भरत, आप निश्चिंत रहें गुरुदेव। आर्य सुमंत। महारानी जी, राम की मंगल कामना के लिए मैंने अनुष्ठान किया है। दान की ही तमाम वस्तुएं, इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों को सहस्त्र गऊ, भंडार घर से अन्न वस्त्र प्रजाजन में बंटवा दीजिए। जो आज्ञा महारानी जी। इस अवसर पर महाराज ने भी राजकोष के द्वार पर खुलवा दिए हैं। उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। आर्य सुमंत, राम के बारात जाने से पहले ब्राह्मणों और याचकों को इतना दान दीजिए कि उन्हें कुछ मांगने की आवश्यकता न रह जाए। जिस राजा के राज में प्रजा का एक भी प्राणी दुखी रह जाए, उन्हें अपना कोई उत्सव मनाने का अधिकार नहीं होता। हमारे महाराज तो सदा ही प्रजावत्सल रहे महारानी जी। आर्य सुमंत, मिथिला पहुंचकर सबसे पहले सीता की माता से हमारा हार्दिक अभिनंदन कहिएगा। उनसे कहिएगा राम को पुत्र के समान ही समझे और सीता के ओर से लेश मात्र भी चिंता न करे। सीता अयोध्या में बहू बनकर नहीं, बेटी बनकर आएगी। कौशल्या की ममता के आंचल में संतान की समान ही स्थान पाएगी। जाओ सुमंत, जाओ। अवध नरेश, मिथिला आपका स्वागत करती है। मेरे बड़े भाग्य हैं कि आपकी चरण रज से मिथिला पावन हो गई। मिथिलेश्वर, आपकी आज्ञा हुई और हम आपके प्रेम की डोर में बंधे चले आए। इतनी प्रतिष्ठा, इतना सौभाग्य प्राप्त होगा मुझे, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। रघुकुल के साथ संबंध होने से मेरे वंश की प्रतिष्ठा भी बढ़ गई।
कैसी बात करते हैं विदेहराज? इस संसार में किसका किसके साथ संबंध होगा, इसका निर्णय केवल विधाता के हाथ में होता है। वही शुभ समय आने पर इन कड़ियों को जोड़ देता है। उन्हीं परमेश्वर की इच्छा से आज अयोध्या और मिथिला दोनों बराबर के संबंधी हो गए हैं। नहीं महर्षि, बराबरी के नहीं, मैं तो कन्या का पिता हूं, आपका दास हूं, मेरी और आपकी बराबरी कैसे? आपने ठीक कहा महाराजा जनक, हमारी आपकी बराबरी कैसे हो सकती है? आज आप दाता हैं और मैं एक याचक, एक भिखारी, जो आपके द्वार पर आपकी कन्या का दान मांगने आया है। देने वाला दाता तो सदा ही महान होता है। शास्त्र भी कहता है, प्रतिग्रहो दात्रवश, लेने वाला दाता के अधीन होता है। इसलिए आप जो आज्ञा करेंगे वो हमें शिरोधारी होगी। आप कितने उदार हैं महाराज दशरथ, अपने स्नेह के बंधन में आपने विदेह को भी बांध लिया। आपके साथ देवता तुल्य वशिष्ठ, वामदेव जी, ऐसी महान विभूतियों के स्वागत के अभिमान से मेरा मस्तक भी ऊंचा हो गया। विदेही राज, मेरा विचार है कि महाराज दशरथ, महर्षि वशिष्ठ और बारात में आए हुए अतिथियों को यात्रा की थकान मिटाने के लिए विश्राम करने दें। प्रातः शुभ मुहूर्त में आप दोनों संबंधी गुरुजन के साथ बैठकर श्री राम और राजकुमारी सीता के विवाह की चर्चा करें तो उचित होगा। भैया भैया, पिताजी आए हैं, भरत भैया और शत्रुघ्न भी आए हैं। महाराज जनक उन्हें जनवासी में ले गए, पिताजी के दर्शन करने चलें? नहीं लक्ष्मण, हम इस समय गुरु विश्वामित्र की आज्ञा के अधीन हैं। उनकी आज्ञा के बिना नहीं जा सकते। जब वो स्वयं कहेंगे तब जाएंगे। धन्य हो राम, तुम्हारे संयम और शिष्टाचार आदर्श है। हम स्वयं तुम्हें महाराज दशरथ के पास ले जाने ही आए हैं। आओ चले। भूप बिलो के जब ही मुनि आवत सुतन समेत, उठे हरष सुख सिंधु महु, चले थाह सिलेत। मुनि ही दंडवत की रज हरि सीसा, कौशी कराली उर लाई, कही आशीष पूछी कुसलाई, कही आशीष पूछी कुसलाई। उन दंडवत करत दो पति उर सुख न समाय, सुत ही लाय दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जन देते, मृतक शरीर प्राण जन देते। Oh, oh, oh.
राम जी, राम कभी अयोध्या याद आती थी जी? छोटे भाई, माताएं तो अवश्य याद आती होंगी। तात, सब याद आते थे, परंतु जिस कार्य के लिए आपने हमें भेजा था उसमें जरा से भी त्रुटि ना रह जाए, उसके प्रति सजग रहने में सदा इस बात का आभास रहता था जैसे आप हमारे साथ हैं और हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। इतनी कम आयु में तुमने जो आदर्श, जो सत्कर्म संचित कर लिए हैं, वो हम वृद्धावस्था तक नहीं कर सके। ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? मेरे प्रेरणा स्रोत तो आप ही हैं। आप ही के पद चिन्हों पर चलकर कुछ करने की क्षमता पाई है मैंने। आपने तो देवलोक तक जाकर अपनी कीर्ति पताका स्थापित की है। वो जो कुछ किया है, एक राजा ने अपनी कीर्ति की आकांक्षा, अपना प्रभाव, अपनी सत्ता का दबदबा जमाए रखने के लिए किया है। किंतु तुमने जो कुछ किया है, पिता की आज्ञा, गुरुजनों की सेवा, प्रजापालन, ऋषियों, मुनिजनों, तपस्वियों की सुरक्षा के लिए किया है, इसी में तुम्हारी महानता है। तुम जैसे आदर्श पुत्र को पाकर न केवल तुम्हारे माता पिता वरन पूरे रघुवंशी पितरों का मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया है। अपनी प्रशंसा सुनकर सकुचा रहे हो राम? हर पिता स्नेहवश अपने पुत्र को ही बढ़ाई देता है, वही आप कर रहे हैं, अन्यथा मैंने तो बस वही किया जो आपका निर्देश था। हर पुत्र का धर्म है पिता अपने मुंह से ना भी कहे, फिर भी यदि पिता के मन में कोई इच्छा हो तो उसे प्राण देकर भी पूरा करे। इसी कर्तव्य की प्रेरणा से ही मैंने ये सारे कार्य किए हैं। सारे आर्यवर्त के शूरवीर पूरे बाहुबल की शक्ति लगाकर जिस शिव धनुष को हिला नहीं सके, उसके भंजन में किसकी प्रेरणा थी राम? जाओ विश्राम करो, जब तक हम प्रशंसा करते जाएंगे तुम संकोच से नमते जाओगे। जाओ वत्स। पुष्पवाटिका से आने के बाद जो राम भैया की दशा मैंने देखी। क्या देखी? रात भर चांद को देखकर ठंडी सांसें लेते रहे। अच्छा? हाँ। जब भैया को मैंने इतना विचलित देखा तो पूछा तो कहने लगे, लक्ष्मण जैसे किसी ने मेरे मन के शांत सरोवर में कंकरी फेंक दी हो जिसमें प्रेम की लहरें हिलोरे ले रही है। हर लहर में सीता की छवि, चांद को देखता हूं तो सीता। राम भैया, मैं भरत भैया को बता रहा था कि भाभी के पहले दर्शन कैसे हुए। भैया, गुरु आश्रम में प्रेम शास्त्र तो नहीं पढ़ाया जाता,
फिर आपने ये प्रेम की शिक्षा कहां से पाई? उसी प्रकृति से शत्रुघ्न, जिसने माँ को बालक से, भाई को भाई से और सागर की लहरों को चंद्रमा से प्रेम करना सिखाया। संसार में पिता पुत्र या भाई का नाता जैसे मनुष्य के बनाने से नहीं बनता, वो पहले से ही निर्धारित होता है। उसी प्रकार जीवन में किसे तुम्हारी पत्नी बनना है और कब कहां उससे भेंट होनी है, ये भी विधाता पहले से ही निश्चित कर देते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जब उससे भेंट हो तो अपना संपूर्ण विश्वास, संपूर्ण प्रेम उसे सौंप दे, जिससे उसके पश्चात जीवन में किसी दूसरी ओर ध्यान ही न जाए। पूज्य महर्षि वशिष्ठ, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, महाराजा दशरथ, इस सभा में हम आपका स्वागत करते हैं। अब हमारे कुलगुरु मान्यवर शतानंद जी इस सभा में उपस्थित गुरुजनों के सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखें। महाराज जनक की प्रतिज्ञा के अनुसार शिव धनुष के भंग होते ही राजकुमारी सीता का श्री राम से विवाह हो गया मानना चाहिए, जिससे आर्यवर्त के दो महान कुलों का नाता जुड़ गया है। फिर भी धर्म और लोकाचार की रीति के अनुसार महाराज जनक आप सबकी उपस्थिति में अपनी पुत्री सीता का विधिपूर्वक और धर्मपूर्वक कन्यादान करना चाहते हैं। इसके लिए महाराज जनक आपकी आज्ञा चाहते हैं। यही बात आपके पुत्र श्री राम ने भी कही है कि पिता की आज्ञा मिलने पर ही सीता का पाणि ग्रहण करूंगा। अब आप उसके लिए आज्ञा प्रदान करें तो लग्न पत्रिका शोधी जाए। पूज्यवर शतानंद जी, आपके वचनों से हम कृतार्थ हुए। जो प्रस्ताव आपने प्रस्तुत किया है वो हमारे लिए गौरव की बात है। इस शिष्टा के लिए हम महाराज जनक का भी अभिनंदन करते हैं। हमें अपने पुत्र राम पर भी बहुत गर्व है, परंतु महाराज जनक जानते ही होंगे कि इक्ष्वाकु कुल के देवता ये महर्षि वशिष्ठ हैं। हम गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं हमारा मार्गदर्शन करें। महाराज जनक, विवाह व्यक्तिगत कार्य नहीं है, ये एक सामाजिक संस्कार है। केवल एक स्त्री और एक पुरुष के गठबंधन को ही विवाह नहीं कह सकते, क्योंकि उन दोनों व्यक्तियों के साथ उनका समाज, उनका कुल, उनका धर्म जुड़ा होता है। विवाह का अर्थ है दो कुलों का, उनके आचार विचार का, उनकी संस्कृति का संगम। इसलिए आपसे आपकी पुत्री का हाथ मांगने से पहले हमारे लिए आवश्यक है कि अपने महाराज दशरथ की कुल परंपरा का परिचय दे और आपको विश्वास दिलाएं कि राजकुमार राम आपकी पुत्री के सर्वथा योग्य है। महाराज दिलीप के सुपुत्र भगीरथ ने देवलोक से गंगा को पृथ्वी पर लाकर इस आर्य भूमि पर जो उपकार किया है वो युग युगांतर तक उन्हें अमर बनाए रखेगा। फिर इस कुल में रघु हुए, जिनके नाम से ये रघुकुल कहलाता है। फिर भक्त शिरोमणि अम्बरीश और उनके प्रपौत्र महाराज अज हुए। महाराज अज के सुपुत्र महाराज दशरथ हुए। ऐसे यशस्वी कुल में उत्पन्न आर्य कुमार राम और लक्ष्मण के लिए मैं आपकी दोनों पुत्रियों सीता और उर्मिला को वरण करता हूं। मुनिवर, आपके उदार वचनों से मैं धन्य हो गया। मैं बड़ी विनम्रता के साथ अपनी सीता को श्री राम के लिए
और अपनी छोटी पुत्री उर्मिला को आर्य कुमार श्री लक्ष्मण के लिए रघुकुल की कुलवधुओं के रूप में समर्पित करता हूं। महाराज दशरथ, विदेहराज जनक, इस आनंद मंगलमय प्रकरण का पूर्ण पटाक्षेप अभी नहीं हुआ। यदि महर्षि वशिष्ठ सम्मति दें तो हम भी अपने मन के उद्गार प्रकट करें। आज्ञा दे ब्रह्मर्षि। राम और लक्ष्मण परिणय सूत्र में बंधकर अयोध्या जाएं और भरत रिपुदमन कुंवारे रह जाएं, ये तो उचित नहीं। महाराज जनक के छोटे भ्राता संकाशा नरेश कुशध्वज की दो कन्याएं हैं, मांडवी श्रुत कीर्ति। हम इन दोनों सुकन्याओं का कुमार भरत और शत्रुघ्न के लिए वरण का प्रस्ताव रखते हैं। इस प्रस्ताव का अनुमोदन मैं किन शब्दों में करूं? मुनिराज, आपके इस प्रस्ताव से सारा निमि वंश धन्य हो गया। कुशध्वज, अपनी पुत्री मांडवी का कुमार भरत के लिए और अपनी छोटी पुत्री श्रुति कीर्ति का कुमार शत्रुघ्न के लिए कन्यादान अवश्य करेंगे। फिर इस शुभ कार्य में विलंब क्यों? शतानंद जी, चारों राजकुमार एक ही दिन दूल्हा बने और चारों राजकुमारियों का कन्यादान एक ही दिन में हो, ऐसा शुभ लगन निकालिए। दो दिन बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, उस दिन चारों विवाह संपन्न करने के लिए अति उत्तम लग्न है। अयोध्यापति दशरथ, अब आप चारों राजकुमारों के मंगल के लिए उनसे गोदान कराइए, नांदीमुख श्राद्ध कार्य संपन्न कीजिए, तत्पश्चात विवाह का शुभ कार्य आरंभ कीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। सुनो सुनो सुनो, मानवी जीजी, उर्मिला, श्रुति कीर्ति, सुनो सुनो, अरे तुम भी सब सुनो। सुना ना, क्या सुना रही है? ऐसी क्या खबर लाई हो सुनंदा? सब कुशल और मंगल है यहाँ पर, और आगे समाचार ये है कि जनकपुरी और संकाश्य नगरी एक ही दिन और एक ही साथ साथ सुनी सुनी हो जाएंगी। रामचंद्र जी ने एक धनुष भंग किया और सीता जी को वर लिया, किंतु अब तो मांडवी भरतलाल की जय, उर्मिला लखनलाल की जय, श्रुति कीर्ति शत्रुघ्न कुमार की जय। क्या तुम समझी नहीं जीजी? महाराज दशरथ और महाराज जनक ने मिलकर चारों भाइयों का तुम चारों बहनों के साथ एक ही दिन एक ही साथ विवाह करने का निश्चय कर लिया है। हाँ हाँ, विवाह करने का निश्चय कर लिया है। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। न बुझत न बुझत।